लड़ाई ना होना इज रोमांस. नहीं नहीं लड़ाई हो लड़ाई हो जाए. हाँ ये ठीक है कि लड़ाई जरा ज्यादा थी. हमें भी लगा कि थोड़ा सा शादी के बाद रोमांस होना चाहिए था. वैसे आपको मिल गई नॉन कराची वाली लड़की जो आप ढूंढ? नहीं. इतना बड़ा झूठ बोला इसने अभी मुंह के ऊपर. मिल गई है. नहीं मुझसे मत पूछो. मिल गई है. ही इज डेटिंग समवन. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. आज मेरे साथ हैं शहरोज और उष्णा from एक सितम और. तो भाई मैंने ड्रामा देखना शुरू किया. इंटरेस्टिंग था. थोड़ा सा मुझे डिफरेंट स्टोरी लगी. फिर उष्णा और शहरोज का जो टाकरा होता था वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. फिर मैंने कहा यार कुछ रोमांस होगा, कुछ तो क्यूट मोमेंट्स आएंगे. बस उसी आस में पूरा ड्रामा यहाँ तक पहुँच गया है. तो मैंने सोचा आज मैं इन्वाइट करती हूँ उष्णा और शहरोज को स्टूडियो में और पूछती हूँ कि क्या वो दोनों झिझक रहे थे या फिर ये जालिम समाज पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो रोमांस आने ही नहीं देता है ड्रामे में जहाँ चांस भी हो. एंड प्लस आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू गाइस टू इंटरव्यू अनमोल एंड उसामा खान. सो अस्सलाम वालेकुम उसामा एंड अनमोल, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक. आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. एंड आई एम नॉट जोकिंग. मुझे करना था लेकिन टूवर्ड्स दी एंड उसामा से भी बात हुई थी कि थोड़ा चल जाए ड्रामा फिर करते हैं. लेकिन मुझे बड़े मैसेजेस आए आप दोनों को साथ बुलाएं, दोनों को साथ बुलाएं. फिर मैंने आप दोनों से सेपरेट बात की. फिर मैं डिबेट करी थी क्या करूं. फिर मैंने कहा चलिए दोनों को साथ करते हैं इंटरव्यू, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा. नहीं नहीं रोमांस तो था अंदर. आपने ऐसे क्यों कहा रोमांस नहीं था? आपको लग रहा था? था. और मुझे पता है मुझे क्या पता चला है. मुझे किसी ने बताया है कि शहरोज जो है ना वो झिझक रहे थे, उसामा झिझक रहे थे. उसामा क्या मसला था? नहीं रोमांस था अंदर. आप क्यों शर्मा रहे थे? आप मैं शर्मा रहा था? नहीं लेकिन मेरा ख्याल रोमांस तो था अंदर जितना था. कितना था? आपने पूरा देखा नहीं अभी तक? आई थिंक राइटर ने लिखा ही इतना था. हाँ उन्होंने लिखा ही इतना था. उन्होंने हमारे कैरेक्टर जितना था ना. नया इंटरव्यू है ना. हाँ तो नई बात है. पुराना पुराना नहीं, ये पिछला इंटरव्यू. आप मेरा ड्रामा नहीं देखते. ये हमारी ना पुराना इंटरव्यू. ये जी नहीं मैंने पूरा देखा. मैंने संडे को आपको क्या मैसेज किया है? आपने संडे को मैसेज किया? मैंने आपको मैसेज का रिप्लाई क्या किया कि सारा देखना है आपने? मैंने पूरे देखे एपिसोड्स. Exactly. अच्छा लेकिन लाइट रोमांस होता है ना. और मतलब इतना तो था. मतलब हमारी अच्छी केमिस्ट्री थी. कोई लड़ाई हो जाए हम एक दूसरे को मना. So, लड़ाई ना होना इज रोमांस. नहीं नहीं लड़ाई nice हो definition. लड़ाई हो जाए तो उसके बाद एक दूसरे को मनाना प्यार से मना रहे हैं. तो अपनी गलती मान रहे हैं. तो हाँ ये ठीक है कि लड़ाई जरा ज्यादा थी. हमें भी लगा कि हमने टू सम एक्सटेंट हम भी इस बात से एग्री कर रहे हैं. मतलब उस टाइम हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि यार थोड़ा सा शादी के बाद रोमांस होना चाहिए था. उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े हो जाते क्योंकि ऑडियंस उसका वेट कर रही थी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो उससे पहले भी दोनों के दरमियान जो वो एक अट्रैक्शन थी और थोड़ा सा जो वो फ्रिक्शन भी जो थी ना वो आइडियल सिचुएशन थी कि आप थोड़े कुछ मजे के क्यूट से रोमांटिक सीन्स दिखा देते जो मुझे लगा कि मिसिंग है इस ड्रामे में. सो जैसा कुछ मैं आपको बताऊँ. एक सीन था जिसमें ये अनमोल कमरे में आ कहती है कि शादी नहीं करनी कैंसिल कर दो. वो मेरे ख्याल हमने खुद बनाया था. वो हमने बनाया था. उसके बाद था हाँ और एक हाँ वो फनी सा था लेकिन उसमें वो थोड़ा सा लाइटर मोड पे था. ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा थे. उस सीन का तो था कि बहुत गुस्से में है ये सब कुछ लड़ा था. इलियाज भी ने कहा कि उसको थोड़ा सा लाइट पे रखते हैं. उसके बाद शादी के फौरन बाद जब खाना सर्व करती है तो वो भी हमने सारा सीन बनाया था. वो क्यूट था बस. हाँ वो सारा सीन हमने बनाया था. वो क्यूट था. खुद सर्व कर लो जो भी करना है जो. हाँ नहीं वो रेड वाला सीन, रेड कपड़ों वाला सीन है जहाँ वो बोलती है कि मैं कुछ स्पेशल बना के ले आऊँ. तो शहरोज जूस डाल रहा होता है. कहते हैं अच्छा आज क्या दिन है. फिर वो जाती है तो कबर्ड भी यहाँ लगती है. फिर वो मैंने कहा अच्छा नाइस क्यूट. मैं होप कर रही थी कि मुझे और अच्छा हमने वो सीन हमने खुद बनाया था. हाँ. जैसे वो था इलियास भी ने कहा तुम बैठे हुए जूस उसको सर्व करते हैं. तो मैंने किया तो कहा ऐसे ही कर लेते हैं. फिर ये था तो उसने कहा कबर्ड ऐसे कर लें तो फिर हमने कहा कर लेते हैं. फिर वो हमारे माइंड दोज आर वेरी क्यूट एंड वेरी रियलिस्टिक सीन्स जो होते हैं कपल्स के जो घरों में भी मेरे ख्याल है ऐसी चीजें हमने देखने को मिली है कि नहीं होता है. तो ऐसे ही हम कुछ नहीं वो स्क्रिप्ट उस तरह से हमने बहुत से सीन थे जो हमने खुद बनाए हैं. बहुत से सीन स्क्रिप्ट में लिखे होंगे लेकिन मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लैक कर रहा था. चलिए कोई मसला नहीं. हम तो वैसे बाकी जगहों पे हमने हम ऐसे एक डिस्कशन कर रहे थे. वी आर हैप्पी. सो अनमोल बताएं क्या चल रहा है. व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट? यू नो एक सितम और बस फिलहाल तो यही. हाँ मतलब कम देख रही हूँ मैं आपको. क्या उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम दो प्रोजेक्ट एक साथ मैंने स्टार्ट किए थे. एक जियो का और एक यही एयर वाई का. अब एयर वाई का एंड पे आ गया लेकिन जियो वाला चलने का नाम नहीं ले रहा. हम खुद इसको बड़ा कम कम देखते हैं. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? क्या देर से आती है? नहीं नहीं टाइम पे आती है. टाइम पे आती है. अच्छा ओके बेटा अपने टाइम पे अच्छा टेल मी आप दोनों ने स्क्रिप्ट क्यों लिया? क्या चीज थी स्क्रिप्ट में दैट यू गाइस डिसाइडेड टू डू दिस ड्रामा? अच्छा मुझे तो क्योंकि जब स्क्रिप्ट मिला तो एक इलियास भाई थे
इलियास भाई के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दूसरा प्रोडक्शन सिग्मा थे एवा, फिर जब मैंने पढ़ा पहले 10 एपिसोड तो मैंने आपको शायद बताया था कि मैं अम्मी से पढ़वाता हूँ सारे, अम्मी मैगजीन वगैरह बहुत पढ़ती हैं, तो मैंने अम्मी को दो स्क्रिप्ट दिए थे, एक ये था और एक और था, तो अम्मी ने कहा कि ये बहुत अच्छा है और इसमें अच्छा खासा कैरेक्टर जो है वो बिल्ड हुआ। उसके बाद फिर मैं मतलब वो फिल्टर फर्स्ट फिल्टर होता है, उसके बाद फिर मेरे पास स्क्रिप्ट आता है तो मैं पढ़ता हूँ। तो इनिशियली भी मुझे एक चैलेंज भी था कि जो दोबारा में तो मैंने कर लिया था, लेकिन एक चैलेंज था कि गुस्सा मैं ज़रा नहीं उस तरह से कर सकता, तो मुझे चाहिए था कि मैं गुस्से वाला कैरेक्टर करूं। You wanted to show aggressive side. क्योंकि वो एक साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे लगता है आपको different करते रहना चाहिए। मुझे लगा था आप soft और बड़े mellow characters कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि मुझे अब जैसे for example next भी मैं करूँगा, तो मैं अब ये गुस्सा और इस romance से निकल के मुझे लगता है कुछ और करना चाहूँगा। लेकिन दोबारा आपने किया, दोबारा में भी थोड़ा हमें angry young man नजर आया। तो लेकिन वो थोड़ा था नहीं कि टाइपकास्ट हो जाऊंगा, अब अगले सारे स्क्रिप्ट्स मुझे यही आएंगे कि या गुस्से वाला हो गुस्से वाला। अच्छा दोबारा में क्योंकि एंग्री यंग मैन था वो बच्चा सा था, ये प्रॉपर एक एंग्री यंग मैन जिसको कहते हैं बदतमीज़ भी है, कोई लिमिट भी नहीं है, वहाँ पे मुझे लगता है एक चाइल्डिश सा था, यहाँ पे एक वो था, तो उसको हमने रखना था। वहाँ पे दानिश भाई ने कहा कि तुमने बहुत सी चीज़ें इस तरह करनी है कि लगे बच्चे हो तुम, अगर तुम सारे एक ही एज के, हाँ सारे एक ही एज के तो इमेच्योर लगो, वहाँ पे बोलते हुए सोचना नहीं है, वहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना कि बहुत सी जगह ऐसे थे, मैं कहता दानिश भाई ये बोलते हुए अच्छे नहीं थे, बच्चे बोलते भी नहीं सोचते, बोलते थे तो तुम बोलो, तुम्हारे कैरेक्टर को तुम्हारे जुमलों से पता चलना चाहिए। यहाँ पे जो थे वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कैलकुलेशंस के साथ बोलना पड़ता था कि एक बंदा जो कि सेंसिबल भी है, वहाँ पे सेंसिबल नहीं था, तो मेरे ख्याल ये मैटर करता है। तो उसका बिजनेस भी है, पूरा बिजनेस। हाँ तो वो उसके पॉजेज, उसके जो वोकल था वो थोड़ा सा चेंज था वहाँ से, अगर आप यहाँ पे देखें, मुझे लगता है आपको अफान नहीं नज़र आया शायद शहर में। मुझे नहीं नज़र आया बिल्कुल, बल्कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारे अफान के साथ यही मसला रहा था, कहते यार ये इतना इतनी क्यों बातें कर रहा है, थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा हम एक्सपेक्टेड से मैच्योरिटी ज़्यादा कर रहे हैं। बट नाउ यू एक्सप्लेनिंग कि वो कैरेक्टर सपोज वो था ही, वो क्योंकि देखें अगर सारे एक ही एज के, मैं बिलाल वील एक ही एज के, तो उनमें सबसे छोटा दिखने के लिए आपको कुछ ऐसा करना था जो इमेच्योर लगे उसमें से, मतलब आई डोंट थिंक सो कि एज डिफरेंस कोई ज़्यादा होगा बहन के साथ भी या किसी के साथ भी, तो आपको ऐसी हरकतें करनी थी जिससे वो इमेच्योर लगे। हाँ जी अनमोल, आपने क्यों लिया, आपको क्या नजर आया, क्योंकि इतने अरसे बाद हम आपको दोबारा देख रहे हैं ना स्क्रीन पे। मैंने अभी तक जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए वो बहुत या तो बहुत ज़्यादा रोने वाले थे और या फिर मैंने नेगेटिव किया है। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था कि जिसमें लड़की इतनी ब्लंट हो, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसे मतलब जो सही लग रहा है वो सही बता रही है और जो गलत लग रहा है वो बता रही है कि नहीं ये गलत है। जब ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो फिर ऑफकोर्स इलियास भाई थे, हमारी एक टीम बनी हुई थी, हमने एक ड्रामा कर चुके थे, तो इलियास भाई ने डायरेक्ट किया था। तो उसके बाद जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे था डाउट कि नहीं यू नो लड़की के पास मार्जिन कम है, लेकिन जब मैंने थोड़ा आगे एपिसोड जब पढ़ना स्टार्ट किया और जो उसके डायलॉग्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, और मुझे लगा कि ये हमारी आजकल की लड़की इतनी चुपचाप और खामोश नहीं है कि अगर कोई कहे कि वो हर वक्त रोती रहती हैं, सारे जुल्मों से तम चुपचाप बर्दाश्त करती हैं, ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियां बताती हैं कि यू नो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो ये मुझे भी लगा कि ये इस पॉइंट पे इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा ये है कि ये रियलिस्टिक है कि ये बोल रहा है, बहुत आउटस्पोकन है, माँ भी कह रही चुप कर जो तो नहीं वो बोल रही। और वैसा भी नहीं था कि यू नो हीरो को देख के फ्लैट हो गई या हमारी जो पहला जो भी इंटरेक्शन था, मतलब हमारा कोई भी वैसा नहीं था। हाँ, वो तो और मुझे हाँ, वाला और था, हाँ। ऐसा था कि जहाँ पे मुझे मेरी जो मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही है मारिया वास्ती, मुझे उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग वो बनना था बच्चा कि नहीं ये अपनी मम्मा का भी ख्याल रखती हैं मतलब बाबा के बाद, तो मुझे लगा कि नहीं इसके पास मार्जिन है और ये लड़की मुझे करनी चाहिए क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं किया था, सो दिस वाज द रीज़न। अच्छा मुझे ये भी लगा अनमोल आपके कैरेक्टर में जो उष्णा का कैरेक्टर है कि वो जो हमने रिसेंटली वो देखा था ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ दिखा रही हैं कि वो तो कुछ ले नहीं सकती नेगेटिविटी या वो बिल्कुल बेचारी का करीब से छू के भी नहीं, वो नहीं था इसमें, शी इज बैलेंस बिकॉज वो हर जगह नहीं बहुत वो करके बोलती है लेकिन वो चुप भी नहीं रह रही है, तो मुझे ये थोड़ा सा चेंज भी अच्छा लगा। अगर वो बोलती भी है शी इज नॉट बदतमीज, अगर वो बोलती भी है तो वो रियलाइज करती है कि चलो ठीक है, अगर लाइक हमारा एक सीन था जिसमें मैं इनसे कहती हूँ कि नहीं मैंने मांगी है माफ़ी आंटी से तो आप भी मम्मा से माफ़ी मांगे, फिर मम्मा के साथ एक सीन होता है, फिर मैं इनको जाके कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेरी गलती थी लेकिन आपको लगता है कि मेरा बोलना गलत था तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, यू नो आई एम सॉरी कि आप भी हर्ट ना हो, लेकिन यू नो मेरे सामने अगर कोई मेरी मम्मा की इंसल्ट करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो आई थिंक ये जो बात थी ना मुझे इस कैरेक्टर की बहुत अच्छी लगी कि ये बस हर वक्त रोती नहीं रहती। और थोड़ा मुझे लुक भी चेंज लगी,
बाल मुझे वेव्स नजर आए और थोड़ा सा इरफान सर ने जो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, क्योंकि जो आपका पुराना जो वो आई थिंक ख्वाबनगर की शहजादी वाज योर लास्ट प्रोजेक्ट राइट इफ आई एम नॉट, उसमें मेरे जो बिल्कुल डिफरेंट लुक थी फ्रॉम दिस वन, ये मुझे एक्चुअली जब मैं कही अनमोल है कहां अनमोल है यू नो, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट लुक आपकी आई थी, डिफरेंट लुक, वो तो फिर वो मेरे नेचुरली जेट ब्लैक हेयर हैं तो वो थे और मैंने उन पे कुछ किया नहीं तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लेते थे। अब ये जब आया तो फिर इरफान सर ने मुझे कहा, इरफान मलिक जो सिक्स सिग्मा में होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मेरी ही, उन्होंने प्रोफाइल की मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई कि हमें ये वाला लुक चाहिए, फिर उसके लिए मैंने हेयर कलर करवाया, हेयर कलर थोड़ा चेंज किया, थोड़े वेव डाले, तो फिर हमने कहा कि थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए नो, क्योंकि एक ही जैसी लुक आप हर प्रोजेक्ट में नहीं रख सकते। ट्रू। अच्छा आप दोनों काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत लंबा ऐसा नहीं हुआ, रिलेटिवली न्यू हैं आप लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम हो गया, आप लोगों को लगता है कि अब आप लोगों को जो आप डिज़र्व करते हैं जिस तरह के रोल्स वो मिल रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप लोग अपने देखें जो स्क्रिप्ट आपको ऑफर हो रहे हैं, या अभी लग रहा है कि नहीं डिस्पाइट के थोड़ा सॉलिड काम करने के बावजूद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमारा जर्नी है, हाउ डू यू सी इट उसामा? जवाब दो क्योंकि मैं लंबा जवाब दूँगा। तो उसने बोल दिया था लंबा, आप शुरू करें या अच्छा मुझे लग रहा है कि मिल रहे हैं। अच्छा मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ कि मैंने जो शुरू में था वो सामरी वगैरह की बात, तो फिर महरीन थी मेरी जब्बार, फिर वो बाकी इस चले भी दोबारा, फिर अब ये दोबारा में बहुत सॉलिड रोल था, सॉलिड रोल था, लेकिन इस जलेबी दोबारा ज्यादा था एज कम्पेयर टू इस जलेबी। इस जलेबी में प्रेजेंस थी, आई कंसीडर इस जलेबी एज वन ऑफ योर, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों, प्रोजेक्ट्स जो है ना उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। इस जलेबी में प्रेजेंस थी लेकिन जुमले नहीं थे, दोबारा में मेरे जुमले थे। मुझे लगता है कि एपिसोड के बाद वेट होता था कि अब अफान का रिएक्शन क्या होगा। जब वो चला गया तो ठीक है, वो तो आखिरी एक महीना एक वाइंड अप था ना, लेकिन इनिशियली जब आप वो अगर शादी कर लेंगे तो अफान का क्या रिएक्शन होगा, वो ये तो होता था कि वो तो कर लेंगे, लेकिन एक जो तीसरी पार्टी थी वो एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी, तो वो मैं स्क्रिप्ट पढ़ा था ठीक है। इस जलेबी में ये नहीं होता था कि वो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, वो एक अगर आप पैरेलल कह लें तो वो उस तरह से नहीं था। अच्छा एज अ व्यूअर इफ आई शेयर विद यू, जलेबी में भी मुझे बहुत कंसर्न होता था कि अच्छा ये तो नहीं ले जाएगा लड़की, बिकॉज बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके डायलॉग्स नहीं थे, योर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग एंड मुझे बहुत मजा आया था देखने का, मुझे लगा मुझे दोनों के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे लगा कि मुझे दोनों शेड्स एक वो दिखा के फिर ये हो गया, लेकिन हम तो किसी और डायरेक्शन में निकले, हम तो बात कुछ और, तो मुझे वो दोनों शेड वो शेड से दिखा के उसके बाद मैंने ये किया। उसके बाद जो आगे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मतलब अगर मुझे मतलब मैं कभी भी उस पर नहीं गया था इनिशियली कि एक मेन होना चाहिए या लीड होना चाहिए, मुझे था कि परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए, आपको पता होता है आप कहाँ खड़े हुए, आपको ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे आपको पता होगा, मतलब आज कोई बंदा आए अचानक से मेन मिल जाए तो उसको भी पता होगा कहाँ पे खड़ा हुआ, ऑडियंस उसको देखेगी, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा उसके लिए, तो मुझे पता था कि कहाँ पे है, परफॉर्मेंस दिखाई, प्रूव किया, अभी मुझे मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं कैरेक्टर्स, अच्छी ऑफर्स आ रही है, अच्छे स्क्रिप्ट आ रहे हैं, मतलब मैं अगला स्क्रिप्ट कर रहा हूँ आपसे कल डिस्कस कर रहा था, अच्छा स्क्रिप्ट है ये भी, रेहाना आप तो आपने लिखा हुआ है, लियाज भी डायरेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा ये भी स्क्रिप्ट अच्छा है, नेक्स्ट वो भी अच्छा स्क्रिप्ट है। नहीं नहीं आई एम ग्लैड टू हियर दैट इफ दिस इज हैपनिंग एंड यू आर हैप्पी, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में दोस्तों काम किया घर गए काम किया घर गए, तो ये भी नहीं है कि कोई से बहुत ज़्यादा आपको किसी को कहना पड़ेगा मुझे अब करो ऑफर, खुद ऑफर ऑर्गेनिकली हो, ऑर्गेनिक है, तो आप तो उम्मीद दे रहे हैं यार बड़े लोगों को, बड़ी अच्छी बात है। हाँ मुझे लगता है कि अगर आप बगैर कोई कंप्लेन किए आप काम करते हैं अपने, तो वन डे और दी अदर आपको लोग स्क्रीन पे देख के कहेंगे हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी बहुत आउटलुक के साथ आए हैं अनमोल, आप क्या कहेंगी? आई एग्री विद हिम, आई थिंक जितने भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि अगर हम घर से अचानक से आ जाएं तो हम यू नो सडनली हम कैमरा फेस करना सीख जाएंगे, अपने लुक्स को कैरी करना सीख जाएंगे, वार्डरोब पर, ये सारी चीज़ें, और फिर आपका एक्टिंग बोलने का तरीका आने जाने की, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट करने से एक तो आपका एक्सपीरियंस होता है,
और अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है जितना मैंने काम किया है उसके लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और आगे भी जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं. तो आई एम हैप्पी कि जो भी हो रहा है, जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है आई थिंक. और टाइम के साथ आपको और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, और भी आगे बहुत अच्छे राइटर्स और स्क्रिप्ट होंगे, बट आई थिंक उसके लिए मुझे भी और ज़्यादा प्रिपेयर होना है. सो यू नो, तो उस तक पहुँचने के लिए आई थिंक मैं जो भी कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ. एक मुझे ऐसे लगता है, एक बुरा एक्टर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आके खुद को वेस्ट कर सकता है. वो दो तीन बड़े प्रोजेक्ट्स कर ले और परफॉर्मेंस उसकी ना रजिस्टर, तो नेक्स्ट टाइम लोग कहेंगे नहीं यार इसको देखा हुआ था हमने. हो सकता है चार प्रोजेक्ट बाद हर बंदा सीख जाता है, वो भी सीख जाए, लेकिन चौथे पाँचवें का उसको टाइम नहीं मिलेगा. उसके साथ ज्यादती होगी. आप किसी एक बहुत बड़े बंदे को या नए बंदे को उठा के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे, उसके ऊपर भी वजन होता है. तो पांच प्रोजेक्ट बाद लोग भी कहने लग जाएंगे यार नहीं 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 नहीं. और हमारा तो और वो सीखता ही उस टाइम पे. हाँ, और अभी तो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि आपके काम को बहुत देखा जाता है, आपकी दोस्तियाँ यारियाँ ये सब नहीं देखी जाती. अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है, यू नो, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो आपको खुद बुलाते हैं और बताते हैं कि आपने वो बहुत अच्छा किया, और उसके ही उस पर आपको आगे एक नया प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया. तो ये तो बहुत एक पॉजिटिव साइड है कि बस आप साफ दिल से काम करें, बाकी सब. और ऐसा नहीं कि आप कोई आज ये काम करेंगे तो कल आपको दूसरे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मतलब 30 साल पड़े होते हैं, 20 साल होते हैं इंडस्ट्री में, आपको टाइम लगता है इंडस्ट्री में. आपको दूसरे साल ही आपको आप एक्सपेक्ट करें कि ये साथ मेरे एक नया बंदा आया था उसको ये मिल गया, मुझे तो आज तक वो नहीं मिला. तो उसकी अपनी रेस है, आपकी अपनी रेस है. आई एम सो हैप्पी टू हेयर दैट. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत से लोग आते हैं और ये शिकवा होता है, तो एक्सपेक्टेशंस कभी सही नहीं होती हैं. और कभी ये भी होता है कि आपने इतने प्रोजेक्ट नहीं किए होते लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मेन मिल जाए या बहुत हो जाए. मुझे मूवीज की इतनी ऑफर्स होती हैं बहुत ज़्यादा. मुझे लगता है मुझे अभी तक मुझे ड्रामा से ज़्यादा मूवीज़ की ऑफर हुई हैं, लेकिन मैंने नहीं की अभी तक. और आई थिंक अभी भी थोड़ा कुछ टाइम मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है अभी. यू नो, आप बड़ी स्क्रीन पे आने के लिए आपको मेंटली फिजिकली आपको उस तरह प्रिपेयर होना चाहिए कि आप आएँ तो फिर लोगों को पसंद आए. यू नो, आई एम रियली हैप्पी टू हैव दिस फ्रॉम बोथ ऑफ यू, बिकॉज ये अच्छा एटीट्यूड है कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जर्नी अभी है एंड यू गाइस आर willing to work hard towards it. मुझे लगता है कभी कभी मैं ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आती नए जो न्यू एक्टर्स या न्यू एक्टर्स नहीं थोड़े से जो relatively न्यू एक्टर्स हैं या उनमें मुझे नहीं. तो आई एम हैप्पी टू हेयर दैट. अभी रिसेंटली आप दोनों ने जो किए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्ग सीरीज़ किए हैं, जो लंबे ड्रामे आ रहे हैं. जो कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि मोस्टली मुझे ऐसा लगता है जो एक्टर्स लॉन्ग सीरीज़ में आ रहे होते हैं उनके साथ फिर ये कभी कभी हो जाता है कि उनको उसी जॉनर में. सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ. सवाल को करने तो नहीं मुझे आज समा, सॉरी मैंने कुछ आपको गलत कह दिया. प्रॉमिस, आई एम सॉरी उसामा, नहीं किया है ना उसामा. आई भी ना इतने वो करके आके बैठ गया. मैं और अनमोल दोनों देख रहे हैं कि क्या हुआ है. अनमोल ने तो कहा भी क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ कंट्रोल किया. आई एम सॉरी, पिछले इंटरव्यू में कुछ गलत किया, मैं लेट हो गया. तो मैंने कहा मैंने कहा जो मैं 20 मिनट लेट हुआ हूं ना वो मैं पूरा कर दूं फटाफट आंसर करके. सवाल तो मेरे से जवाब भी आज ये देंगे. पूछें, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि कभी कभी जब लॉन्ग सीरीज में एक्टर्स आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उनको सिर्फ लॉन्ग सीरीज में ही नज़र आते हैं फिर हमें. ये एक चीज़ है, और उनको मेन स्ट्रीम ड्रामे जो हैं जो वंस अ वीक आते हैं उसमें हम नहीं देख पाते हैं. अगर देख पाते हैं तो छोटे यू नो साइड रोल्स में होता है या मेन रोल नहीं होता है. तो ये क्या डर है, ये एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रही है इंडस्ट्री में, या ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी मैंने हम टीवी का किया एक बिसात जो वंस अ वीक आता था, उसमें आयशा उमर थी, असफर था, मैं थी, जैन था. सोचने में ऐसा लगता है कि अगर यू नो जो नए लोग आते हैं उन्हें लगता है कि अगर हमने सोप कर लिया तो हम सिर्फ सोप के लिए रह जाएंगे, अगर नेगेटिव कर लिया तो सिर्फ नेगेटिव. ऐसा नहीं है. यू नो आई थिंक ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर आपके पास एक स्क्रिप्ट आया है उसके 22 एपिसोड है या 26 एपिसोड है, और जैसे अभी हमने ये किया ये 35 था आई थिंक, तो इसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, थोड़ा सा डबल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 70 पे जा रहे हैं, क्योंकि वो आई थिंक उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है. यू नो वो कुछ एडिट पे भी बढ़ जाता है. एडिट पे भी बढ़ जाता है, पर टाइम ड्यूरेशन इनको पूरी करनी होती है. तो ऐसा रमजान में चला भी थोड़ा था. रमजान मैंने प्राइम टाइम का भी हम टीवी का किया बिसात, और वो बहुत अच्छा गया. तो और उसके बाद मैंने ये किया. आई थिंक मैं तो खैर ये चीजें नहीं देखती, पता नहीं देखनी चाहिए या नहीं, लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बड़ी हैप्पी टू हियर दीस थिंग्स अबाउट द इंडस्ट्री. होना चाहिए ना, आपको आप काम कर रहे हो. यू नो वैसे मुझे एक बात बताएं, जो नॉर्मल लोग हैं जो देख रहे हैं ड्रामा, किसी को पता है कि क्या प्राइम टाइम है और क्या नहीं है?
अगर ये नहीं भी पता हो तो ये पता है कि ये ड्रामा रोज आता है एंड इट्स कॉल्ड अ लॉन्ग सीरीज और इट्स कॉल्ड अ सोप, और ये ड्रामा हफ्ते में एक दफा आता लेकिन है। लेकिन लोगों का क्या है, लोगों की ज्यादा ख्वाहिश क्या है कि वो अगर अपने फेवरेट कपल को या फेवरेट ड्रामे को रोज देखें या वंस अ वीक? आई थिंक रोज देखें, रोज लेकिन देखें लेकिन अगर रियलिस्ट चले रह जाते इस बात मैं उसामा पे आता हूं। उसामा ने कुछ बहुत जज्बाती बात कहनी थी, लेट्स शेयर मां ऐसा जज्बे से बोला, मैं थोड़ा तैयार हूं। उसामा हाथ वाला रखिएगा, सॉरी पहले से माफी मांग रही हूं जो भी मैंने कहा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैंने सही बोला था। जो लॉन्ग प्ले में आते हैं वो फिर नहीं नजर आते उसमें, ऐसा ही है। और उसका रीजन है, देखें मैं मेरी प्रायोरिटी क्या है, डायरेक्टर, फिलहाल मेरी प्रायोरिटी डायरेक्टर है। अगर हम इलियास कश्मीरी के साथ कर रहे हैं, इलियास भी कुन फयाकुन दिया था लास्ट टाइम, कुन फयाकुन वो आठ पेयर था, उससे पहले तजदीद अहद तजदीद वफा था, वो हारून का और उनका उस भूल गया मैं, तजदीद वफा वो था, ठीक है। वो दोनों कह रहे हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये ड्रामे थे आठ बजे के, अब इलियास भी ये कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्या है एक्टर के लिए, डायरेक्टर की इनपुट। अब अगर इलियास भाई की इनपुट है मेरे पास तो उसके बाद मुझे अब एक और प्ले वास्ते जबल कर रहे हैं, सज्जबल ने 9 बजे किया था, फितरत था जी, मज़र मोइन दिलावेज, मज़र मोइन के प्ले सारे 8 बजे चलते थे, तो वो अगर वो दिलावेज अगर मज़र मोइन अगर 7 बजे भी कर रहे हैं या असद जबल या इलियास भी 7 बजे भी कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर एक्टर के लिए, अगर उसे सीखना है तो ठीक है। आप एक बुरे डायरेक्टर के साथ, एक बहुत ऐसे ऐसे प्लेज होते हैं जो 8 बजे चलते हैं उसके बाद उसकी स्टार्ट चेंज होती है या वो फ्लॉप हो जाते हैं। कितने ड्रामे आए हैं अभी जो 8 बजे चले होंगे, आप जानती भी नहीं होंगी उनको, बहुत से ऐसे ड्रामे। नहीं उसका रीजन ये, उसका रीजन ये है कि बैठे-बैठे मेरी बेइज्जती, नहीं नहीं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कितने ड्रामे आते हैं 8 बजे जो बहुत से लोग नहीं देखते, ऑडियंस भी नहीं देखती होगी, उनके व्यूज भी नहीं होते होंगे एज सच वो, ठीक है। तो डायरेक्टर मैटर करता है इसलिए वो उस टाइम पे हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग करते हैं, उसकी रेटिंग भी आ जाती है, लेकिन उस तरह से देखा ना जाता हो, करेक्टर ना बनता हो उस तरह से। मुझे लगता है कि अभी डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर नदीम बेग 6 बजे कर लेंगे तो आपको लगता है ऑडियंस नहीं करेगी क्या? क्योंकि कोई एक्टर नहीं करेगा नदीम बेग के साथ काम करेगा। अब नदीम भाई का जो स्क्रिप्ट होगा वो अच्छा, इलियास बेग का स्क्रिप्ट अच्छा था, असद जबल का स्क्रिप्ट अच्छा है, अच्छा था, मज़र भाई का स्क्रिप्ट अच्छा था, तो अगर 9 बजे भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 8 बजे वंस अ वीक होता है तो एक ऑडियंस के लिए एक इंटरेस्ट होता है कि एक्टर रोजाना नहीं देखते हम इसको, एक दफ़ा ही देखेंगे, तो वो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो मुझे लगता है, मेरी अभी शहर से भी डिस्कशन हुई थी, हम लोग शहर में जाना, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आपको एक 2-3 साल तक तो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस तो बनानी होती है ना, या तो आप पहले ही प्रोजेक्ट में आप आ रहे हो प्राइम टाइम पे और आपको कि मुझे नहीं जाना, या फिर आपको अपनी स्ट्रगल खुद करनी है कि आपने डेली आपने करना है और उसके बाद फिर आपने चूजी हो जाना। तो मेरे ख्याल हम उस पर है कि अभी हमने करना है, एक ऑडियंस पे आ जाए उसके बाद पे चूज़ी हो जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मुझे समझ भी आ रही है जो आप कह रहे हैं कि आपको सीखने का भी टाइम मिलेगा, ऑडियंस भी आपके फेस से फेमिलियर होगी, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा कम्प्लीट, लेकिन वो जंप कभी कभी हर कोई नहीं लगा सकता, अगर उसमें फंस गए तो फिर क्या होगा? अच्छा इसमें फंसते क्यों है, क्यों फंसते हैं? देखें आज से कोई 4 साल पहले हम जिसको मैं लॉन्ग प्ले कहते हैं, आप सोपी कहते हैं ना, ठीक है, 7 बजे या फिर 9 बजे उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं होती थी। अब आप देखें नॉर्मली 7 बजे के, अभी अंगना चला था, अंगना के व्यूज 3 मिलियन 4 मिलियन ऐसे होते थे, हमारे भी 3 मिलियन तो व्यूज वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस ऑडियंस देख रही है अभी ड्रामे, पहले ऑडियंस ये ड्रामे नहीं देख रही थी, इसको सोप कह के ऑडियंस साइड पे कर देती थी, ऑडियंस के लिए तो शेल्फ होता था कि नहीं यार इसको क्या देखने है, तो साइड, और इसमें लोग नए होते थे कंपैरेटिवली। अभी अली भाई अगर होते हैं या फिर होते हैं, दूसरी चीज़ लॉन्ग प्ले जब एक बंदा कर रहा होता है ना तो उसको अपनी डेट्स बचा के रखनी होती है। मैंने बहुत से एक्टर्स को सुना है कि हम इसमें फंस गए हैं क्योंकि हमें वो अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, अच्छी चीज़ें तो उनको मिलती हैं जिनके इंस्टा फॉलोअर्स होते हैं, अच्छी चीज़ें तो उनको मिलती हैं जिनके साथ पता नहीं क्या होता है, मतलब फेवर्स होते हैं। अगर आपकी डेट ही नहीं है और प्रोडक्शन हाउस आपसे पूछ रहे कि यार आपके पास अवेलेबिलिटी है और आपके नहीं, अभी तो 3 महीने बाद लॉन्ग प्ले में कर रहा हूँ मैं नहीं दे सकता डेट, तो फिर सीरियल के लिए आपको 30-40 दिन चाहिए होते हैं। अब आपसे प्रोडक्शन हाउस ने डेट मांगी, आप 4 महीने की डेट ही नहीं दे रहे और आप रोजाना बिजी हैं, प्रोडक्शन हाउस को पता है कि यार ये बंदा सुबह आएगा शाम को जाएगा कहेगा मुझे दूसरे उसमें जाना है, नहीं करेंगे ना, उसकी एक प्रायोरिटी होती है। दोबारा मैं अगर मैं कह रहा हूँ या इस जलेबी में कह रहा हूँ, पूरा दिन 4-4 सीन कर रहे होते थे, इसमें हम 8-8 सीन 10-10 12-12 सीन कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी डेट भी तो बचे ना, अगर आपके पास डेट ही नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? बट आई एम हैप्पी टू हेयर फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि अच्छा आप लोगों का एटीट्यूड है और
अच्छी सिचुएशन प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लिए भी और बहुत से जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए। मुझे लगता है आपको डेट बचा के रखनी चाहिए अगर आपने कोई प्राइम टाइम अगर आप ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि लॉन्ग प्ले मत कीजिए अपने आपको। हाँ, आपने आपको ना करें ना, आपको फिर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आती है, आप कहते हैं यार मैं तो बिजी हूँ, उसके बाद आप कह देंगे मुझे ऑफर ही नहीं कभी हुई, तो फिर और उनके प्रोडक्शन साइड पर भी देखें ना, वो कह देंगे यार वो तो हर वक्त ही बिजी होता है, उसके बाद रेडी नहीं होती, तो वो आपको करेंगे। अच्छा, जो शहरोज का कैरेक्टर है गुस्सा इसको काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, और कभी मतलब माँ की तो काफ़ी बात अंडर आ जाता है, ही इज़ नॉट रियली, कभी कभी अपनी अकल की बात भी नहीं सुनता है, एंड ही जस्ट ब्लाइंडली फॉलोज जो उसकी माँ कह रही होती है। इसी तरह अगर मैं उष्णा का कैरेक्टर देखूँ तो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन कभी कभी बड़ी मुझे सिली बातें लगती हैं उसकी, जैसे वो फार्म हाउस पर मिलने चली गई, यू नो ये नहीं सो फार्म हाउस में मिलने चली गई, मोबाइल पे नंबर ब्लॉक नहीं कर रही, हां एंड यू नो तस्वीरें हो गई, एंड दिस इज माय क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन टू माय डायरेक्टर कि भाई वो ब्लॉक का एक बटन होता है, तो मैं मतलब इस तरह की चीजें ना, और पता है व्हाई इज नॉट ब्लॉकिंग हिम, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो है ना परफेक्ट नहीं है, यू नो जो जैसे लीड कैरेक्टर्स हमारे यहाँ पहले होते थे ना कि वो अच्छी लड़की दिखाई है, तो वो इंटेलिजेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, स्ट्रांग भी, और वो तो कुछ गलत हालात गलत हो रहे हैं वो नहीं करी, लड़का भी है तो वो इतना अच्छा दिखाया है, ही इज लाइक वो या तो बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है। आप दोनों का जो ये कैरेक्टर्स है ये ग्रे मुझे नजर आए इस बार, मैंने क्या ड्रामा देखा है, you have to give me credit for that, dekha hai sahi tarah dekha hai, koi baat nahi karta aapne dekha hai, shukriya, take it back usam, so kya ye naya trend hai कि हम अब फ्लॉड कैरेक्टर्स या हम ग्रे कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स जो परफेक्ट नहीं है उनको एज लीड प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, ये आप लोगों को नजर आ रहा है कोई एक ट्रेंड? जैसे शहरोज जो है ही इज द हीरो ऑफ द ड्रामा, मुझे उसमें बड़े मसले लगते हैं शहरोज में, मुझे भी बहुत मसले हैं, हाँ, लेकिन मुझे वो अच्छा भी लगता है कहीं कहीं, बहुत से सीन हम दोनों ने बहुत से सीन हमने ऐसे किए हैं जिसमें हमने उस बंदे को उस कैरेक्टर को कम गंदा दिखाया। आप जिस तरह शहरोज की माँ है नईमा रुबीना आपा, तो रुबीना आपा ने अपनी बहुत सी अपना कैरेक्टर चेंज किया उस हिसाब से कि यार ये बहुत अचानक हम भी बैठे बैठे हम बैठे बैठे गए थे यार ये पॉजिटिव थी अचानक से नेगेटिव क्यों हो गई स्टोरी में, और बहुत कुछ थे बहुत ट्विस्ट थे आप कुछ और कर सकते थे, लेकिन इनको नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो हो गई नेगेटिव, तो उसके बाद हमने उसको फिर अच्छा एक रुबीना आपा ने बहुत अच्छे से उसको किया है कि वो एकदम से उन्होंने उसको ना मतलब नेगेटिव नहीं कर दिया, इसी उन्होंने प्ले किया है नेगेटिव लेकिन वो प्रॉपर नेगेटिव नहीं किया कि वो अचानक से बस, और हमने भी अपने उसके गुस्से की है कोई एंगर है या रोमांस है या अगर अपोलोजाइज भी कर रहे हैं तो उसका एक रीज़न हमने दिया है कि अचानक से गुस्सा कर दिया और उसके बाद फिर अगर रूम में गए और उसके बाद सॉरी किया वो धीमे हुए हैं, तो वो एक नेचुरली जिस तरह से कर सकते थे कोशिश तो उस तरह से की है, लेकिन अब आपको पता है फ्लॉस तो होते हैं, अब एक स्टोरी अगर 50-60 एपिसोड जा रही है तो कुछ ना कुछ तो उसमें रखना है ना कि वो आगे बढ़े। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों को लग रहा है कि अब स्टोरीज में हम इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर आ रहे हैं, अब आफान का भी जो कैरेक्टर था दोबारा में या माहिर का भी ले रहे हैं, फ्लॉड कैरेक्टर्स है ना परफेक्ट नहीं है, तो आप लोग को लगता है कि ये आगे जाके हम लोग इस तरह की कैरेक्टर्स को देख रहे हैं मेन हीरोज जितने आप लोगों के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं ऑफर्स हो रही हैं उसकी बेसिस में आई थिंक अभी भी कोई भी परफेक्ट कैरेक्टर नहीं लिख रहा है, राइटर नहीं लिख रहा है, यू नो सी ये हमारे नहीं है, हमें क्या करना है, हमें परफॉर्म करना है और जितना हम कर सकते हैं सीन को कि उसको हम अच्छे से परफॉर्म करें, जितना उसको बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को हम वो करें। मैंने हर सीन के बाद लियाज भाई से पूछा कि ये उसको ब्लॉक क्यों नहीं कर रही है ब्लॉक, और अच्छा मेन बात जो थी लिखा हुआ था मेरा जो कैरेक्टर में मुझे बोलना चाहिए था उसको सुफियान को भाई, और मैंने कभी नहीं बुलाया, मैंने कहा मुझे इसको भाई उम्मीदें दी इसने तो शुरू में भाई वो कोई शुरू में तो इंटरेस्टेड थी, शुरू में उम्मीदें दी देखा शुरू में था ना, शुरू में तो था ना पहला सीन चला, मैंने कहा लिहाज भाई तो लग रहा है वो तो आता है, मैंने कहा लिहाज भाई थे बहरहाल, मैंने उनसे कहा मैंने कहा बाल उड़े, मैंने कहा ये मैं कहा हूं तो वो था, मैंने उनसे कहा मैंने कहा ये उसके लिए फीलिंग, उन्होंने कहा जो भी करना है अपने एक्सप्रेशन से प्ले करना उस लड़के के लिए ऐसी फीलिंग्स, अब राइटर ने लिख दिया है, पहले एपिसोड में थी ना फीलिंग्स थी लेकिन वो वाली फीलिंग्स नहीं थी, वो फीलिंग्स थी जो आप आपका कजन है यू नो आप उसके साथ बचपन से आप रहे हो पढ़े हो आते जाते घर में फैमिली में आना जाना होता है, एंड यू नो वो आपके लिए अच्छा सोचता है आपकी मामा के लिए अच्छा सोचता है, जो आपकी पूरी पूरा खानदान आपके लिए इतना गलत, मेरी मुमानी जान जो थी उसको तो आई थिंक उसके लिए उसके दिल में हमदर्दी थी और मे बी वो उसके साथ प्यार भी हो जाता है। एक और चीज लॉन्ग प्ले में कभी कभार ऐसा होता है अब हम खुद नहीं देख सकते, कोशिश पूरी होती है कि देखें लेकिन आप नहीं देखते, मतलब मैं ड्रामे सारे देखता हूँ। अच्छा आपने दोबारा की सारी एपिसोड देखी थी,
सारी एपिसोड ऑलमोस्ट सारी देखी थी, बड़ी भी देखा ऑलमोस्ट, मैंने पूरा प्रॉपर नहीं देखा, आप इनसे जरा एक सवाल करें पता लगे कि इन्होंने देखा है कि नहीं। ये जो एक्टर्स होते हैं ना आप लोग, सबसे मजे की बात है अपना ही ड्रामा आप लोग नहीं देख रहे होते। नहीं नहीं मैंने सारे ड्रामे देखता हूं मैं तो, आप पूछे सवाल मैं आपको जवाब दूंगा किसी भी। ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो मैंने कहा यार मैं भी देखूंगी, तो मैंने रोज रात को शूट से आने के बाद में यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया। लेकिन वो जब टाइम कभी कभी ऐसा होता था कि आप इतना थक जाते हो आके कि हिम्मत ही नहीं होती आपके कुछ करने की, कि आप कब उतारें कपड़े चेंज करें, उसके बाद सिर्फ दिल होता है कि बस आप हो और बैठ हो और आप सो जाएं। कभी कभी खाना खाने का भी दिल नहीं करता, इतनी थकावट हुई भी होती है और अभी गर्मियाँ इतनी। अच्छा ये बताएं सेट पे उसामा आके सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं? टाइम है हमारे पास, मैं अनमोल आपको कितनी देर है तैयार होने में बोलूँगी 15 मिनट भी, ठीक है मैं चाय और बिस्किट कर सकता हूँ, हाँ मैं मुझे इतना टाइम है, और ये निकल जाते हैं चाय ले आओ बिस्किट ले आओ बस जो भी मेकअप पे बैठा होता है। आपको कितनी देर है? 10 मिनट लगेंगे, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं चला जाता हूँ फिर मैं बस वाइब, और मुझे नहीं पता कि पहली चीज क्या करती हूँ मैं जब आता हूँ। नहीं तो आपको पता होना चाहिए, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाली थी, दोनों से मैंने सेम सवाल पूछने के, वो होते हैं एडी के साथ कोऑर्डिनेशन पे कि अनमोल आ गई है, इतने नखरे कि अनमोल आ गई है, क्योंकि मैं आके रेडी होती हूँ, इनको इतना मेकअप वेकअप नहीं करना होता है, तो मेरे बाल बनते हैं मेकअप होता है, तो ये शी इज नाइस, यहाँ शहर बैठी होती ना बड़ा मजा आता मुझे फिर इस वक्त। मैं शहर होती तो मैं जवाब भी दूसरा देता तो फिर उसके बाद ये, इसलिए फिर जब मैं आ जाती हूँ रेडी होना स्टार्ट होती हूँ तो फिर ये आ जाते हैं। तो मैं एडी को दिन में 25 दफा भी मैसेज करता हूँ कि आ गई हैं, अब आ गई हैं, अब आ गई हैं। अच्छा अगर अनमोल नहीं मिल रही हैं आपको सेट पे इस वक्त, आप ढूंढ रहे तो कहाँ पाई जाएंगी अनमोल और क्या कर रही होंगी? हम सेट पे, अच्छा हाँ एक और बात बताता हूँ और कोई किस्सा भी सुना सकते हैं, एक और चीज बताता हूँ, जो भी कह रहे हैं ऑडियंस देखें, ऑडियंस आपको ड्रामे जब आप देखती हैं तो ऐसे लगता है कि देखें कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन, कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, तो अनमोल अपने कमरे में होती है, हाँ। मैं अपने कमरे में होता हूँ, ओके। हमारे पास स्क्रिप्ट आता है, हाँ। हम बाहर निकलते हैं, हाँ। सीन है एक मिनट, हाँ। अच्छा 2-3 दफ़ा ऐसे हुए क्योंकि हम 3 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो जब आप 3 प्रोजेक्ट कर लेते हैं ना उसके बाद या तो आप बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं या फिर आप बीच में कहीं होते हैं जो आप खुद कंफ्यूज होते हैं। अब मुझसे अगर आज के पूछेगा ना कि अनमोल के साथ आपको बहुत अच्छा लगा या बहुत बुरा लगा, मैं बीच में हूँ कहीं पर, कैसा लगा मुझे, उसका रीज़न ये है हम कभी कभार बोल कहते हैं कि सीन ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, मैं कहते नहीं ऐसे नहीं इस तरह से कर लेते हैं, फिर अनमोल की नहीं ऐसे कर लेते ऐसे कर, फिर यार नहीं इस तरह नहीं, लिहाज भी आप बता दें किस तरह करें, तो अनमोल कहती किस तरह बात कर रहा है मेरे से, इस तरह से बात नहीं करनी आती, फिर मैं कहूँगा मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, रियाज भी आप बता दें यार बगैर बात के बहुत हाइपर हो जाते हैं भाई बगैर बात के। अच्छा अगर मुझे गुस्सा आएगा ना किसी चीज़ पे, कोई रीज़न होगा, मैं ढूंढूंगी कि यार ये गलत किया और मुझे इस पे, ये बगैर बात के हाइपर, और फिर मैं तो फिर मुझे भी अलग से गुस्सा आता है कि नहीं ये गलत क्यों, कभी कभार अनमोल कहेगी मुझे कि एक काम करो ऐसे कर लो, क्यों जबरदस्ती मैं फिर क्योंकि उससे पहले मैंने अनमोल से कहा होगा अनमोल ये बेचारी तो कर ले नहीं उससे पहले अगर मैं कहूंगा अनमोल इस तरह कर लो आप मुझे नहीं बताएंगे, अभी हंस रही थी मेरे साथ वो असल में पता बात की हमारी मतलब एक सीन था, एक सीन था जिसमें ना वो हम सूटकेस पैक कर रहे थे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, आई एम श्योर नहीं देखा होगा, तो एक सूटकेस पैक कर रहे थे हम, तो अब तो बद से बद तो वो बहुत ज्यादा हमारा अच्छा सीन था, उससे पहले ना हमारा एक फड्डा हुआ था, सही फड्डा हुआ था, सही प्रॉपर फड्डा हुआ था हमारा कि यार इस तरह नहीं होता है ऐसे नहीं होता है ये, और वो इनकी गलती थी, हाँ वो मैंने सॉरी भी किया था, हाँ, मैंने सॉरी किया था मैंने सॉरी किया था, लेकिन क्योंकि इनकी गलती उससे पहले हो चुकी थी तो मैंने कहा मैंने जवाब देना उसके बाद ना मैंने हमारा फड्डा हुआ, उसके बाद जब सीन हुआ तो सीन बहुत अच्छा हो गया, एक दफा और करें दोनों सीन से पहले मुझे गुस्सा आया हुआ मैं हम सीन से पहले कुछ सीन ऐसे थे जिसमें सीन से पहले हम कहते ये मिल जाए मुझे जरा इसका जैसे आज आप लोगों ने 20 मिनट मेरा वेट किया ना उस तरह कभी कभार ऐसे होता था अनमोल आ जाओ यार अनमोल आ जाओ अनमोल आ जाओ और जब मैं आती अनमोल जब आती थी कहने सीन करें यार फटाफट चले निकलना इस तरह से होता था, लेकिन वो ड्रामा में फील नहीं होता मेरे ख्याल उस तरह से कि कभी हमने इस तरह किया, लेकिन अदरवाइज इस तरह से केमिस्ट्री हमारी है और सबके साथ ही ड्रामे में मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, अब तो ऐसे फैमिली से बन गया था ड्रामा, पिछले साल अक्टूबर से चल रहा था शूट हो रहा था, तो ये हम तो कर करके वो हो गए थे। अगर उसामा से कोई बात मनवानी हो तो क्या करना पड़ता है?
डांटना पड़ता है, धमकी देनी पड़ती है। नहीं डांट क्या मनवानी है, मैंने कभी इनसे कभी कोई बात मनवाई नहीं। हम लोग आपको तो वो इतना मैं क्यों मनवाऊंगी इससे बात, है ना? नहीं है हाँ, ऐसा कभी मजबूरी में कुछ करवाना पड़े तो हम लोगों का आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे इनसे कुछ मनवाना पड़े या इन्हें मुझसे कुछ मनवाना पड़े। जो भी होता है बस वो सीन ही होता है आखिर में। हमारी सिर्फ सेट के ऊपर जो बात होगी ना वो सीन होगा यार। ये सीन कितनी ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली बता रहे हैं कि हम बस सीन है। अच्छा लोगों ने अब क्या करना शुरू किया है कि मैसेज करना आप दोनों शादी कर रहे हैं, आप लोग शादी कर रहे हैं, आप लोग शादी कर। अच्छा एक और भी बड़ी बात है ना, एक अलमिया है किसी कपल हिट हो जाए ना तो उसको कहते हैं आप शादी कर ले। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ऑन स्क्रीन? तो मैंने उनको कल भी कहा, मैंने कहा सुनो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग शादी कर रहे हैं, आपका कपल कहता है कल मैं जाके बताऊंगा कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है। मैंने कहा प्लीज बताओ। अच्छा क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये देखो कितना आइडियल है, तो टीवी पे हर चीज जो आपको नजर आ रही है वो बहुत आइडियल नहीं है, लोग उस पे चले जाते हैं। मतलब ड्रामों में लोग देख के नॉर्मल जिंदगी में भी लोगों को लगता है कि यार वो देखो वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे, वो ड्रामों में ही स्टोरीज होती है। असल में अगर आप देखें कोई चांस नहीं है, इस तरह कोई चांस नहीं लगता। बाद में कुछ और जो मैं नहीं, अगर मैं अभी कोई चांस नहीं है मुझे, अगर आज मैं 20 मिनट मिसाल के तौर पर लेट आया और अगर 20 मिनट अनमोल और वेट करती तो अनमोल यहाँ से चली जाती कहती जब वो सामान है तो मुझे बता देना। और अगर मैं आ जाता 20 मिनट पहले और मैं अनमोल का 20 मिनट वेट करता और अनमोल ना आती तो मैं कहता अनमोल खैर इतने भी बुरे हालात नहीं, चुप रहो बहुत नेगेटिव है ये, चुप करो। अच्छा सो व्हाट वाज वन सीन जो सबसे ज्यादा मुश्किल था शूट करने के लिए फॉर मी और फॉर दोनों के लिए? अपना अपना बता सकते हैं अगर दोनों का डिफरेंट है तो। हां मेरा तो एक डिफरेंट है, मेरा वो सीन जिसमें मुझे पता लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं बेसिकली वो मेरे नहीं, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है, वो वाला जो सीन था। उसके बाद के 3-4 सीन्स थे जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे क्योंकि कब्रिस्तान जो जाते हैं, हाँ कब्रिस्तान जाना, इनका वहाँ आना, मतलब जब मैं बात कर रही थी बाबा से, मतलब उनकी कब्र के पास जाके उनसे बात करती है और ये आते हैं, तो उस वक्त भी ये था कि अब इनसे भी बात कर रही है लेकिन जब मामा से लड़कर आई है तो पॉइंट ये है कि ये भी सगा बाप तो नहीं है, यू नो इन्होंने भी अडॉप्ट किया, अगर उनसे लड़कर आई है उनसे बात नहीं करना चाहती तो फिर इनसे बात क्यों करिए। बट फिर डायरेक्टर ने मुझे कहा कि नहीं देखो किसी ना किसी से बात करनी होती है इंसान को, यू नो, और क्योंकि तुम अपने बाबा के सबसे ज़्यादा क्लोज थी और मुझे लगता है कि तुम्हें इनसे बात जाके करनी चाहिए। तो इस तरह के 2-3 सीन्स यही वाले थे मुझे लगा जो डिफिकल्ट थे। किस और मुश्किल थे लेकिन आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही थी? मुझे लॉजिक समझ नहीं, जब तक आपको लॉजिक समझना है आप परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरा तो विजन ये है कि अगर आपके माइंड में आपको क्लियर है कि इस सीन का मतलब ये है तो आप अपनी वर्डिंग में अपने एक्सप्रेशंस आपको पता होते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि सीन का मकसद क्या है, यू नो, तो आप कंफ्यूज रह जाते हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं आपके डायलॉग्स होते हैं तो आप खुद ही आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। और उसामा के साथ जब फर्स्ट हम लोगों ने जो भी तुम्हारा वो सीन भी अच्छा था, वो भी मुश्किल हुई होगी जब वो बाप का पता लगता है कि डेथ हो गई है डेथ बेड पे। वो बहुत सीन मुश्किल था जब मुझे बाबा का पता लगता है कि उनकी डेथ हो गई है, और वो सीन मेरा प्ले का फर्स्ट सीन था। मेरा इन्होंने फर्स्ट डे में आई सेट पे और सारा इन्होंने मैयत का और ये सब कुछ लगाया हुआ सेटअप, तो मैंने कहा कि ये अब मेरा फर्स्ट डे है, यू नो मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं जब भी किसी नए सेट पे जाती हूँ मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, हमेशा नर्वस होती हूँ पहले दिन और पहले सीन में। अब मुझे इतना परफॉर्म करना है और सब आए हुए हैं, मारिया वास्ती आए हुए हैं, शोधल भी आए हुए हैं, कामरान जिलानी आए हुए हैं और डायरेक्टर और सब मुझे अब यूँ देख रहे हैं कि ये अब क्या है। बट लेकिन अच्छा वो बहुत अच्छा हो गया था, वो भी बहुत मुश्किल। और उसामा के साथ जब मैंने जो भी सीन हमारा फर्स्ट सीन हुआ था, कौन सा वाला हुआ था, गाड़ी में हुआ था, तो मैंने कहा कि ये मैं वो नहीं हूँ बेसिकली जो मुझे बोलना पड़ा इन्हें, इतनी ब्लंट और इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। एक दो सीन्स में आई थिंक मुझे थोड़ी अच्छा मेरी अनमोल के साथ कभी इसलिए नहीं मसला होगा हम दोनों को क्योंकि हमारी एक केमिस्ट्री है और बहुत सी ऐसी बातें ड्रामे में हमने बोली जो हमारे दिल में थी तो वो निकाल दिया तो वो ऐसी बातें जो बहुत थी मैं बोलना चाहता था हमेशा से तो वो बातें मुझे मैंने अनमोल को एक दो दफा कर अनमोल तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मैं सुना था और अनमोल ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह मैंने कहा यार ये तो लग रहा है कि दिल से निकल रही है। एक दफा तो एक जुमला था जिसने कहा यार लग रहा है तुमने बिल्कुल दिल से निकाली है, मैंने कहा मुझे भी ऐसे लग रहा है बिल्कुल दिल से, मैं तो काल के बाहर फेंक। आपके लिए कौन सा मुश्किल था ड्रामे में क्योंकि रुबीना आपा वगैरह सबके साथ मेरी अच्छी थी, मुझे लगता है कि एक सीन था एक साजिद हसन के साथ, मुझे एक था शुरू में साजिद भाई एक लेजेंड बंदे हैं तो साजिद भाई के सामने करते हुए ना आपको थोड़ा सा घबराते बंदा, और किस हर सेट पे एक बंदा ऐसे होता है जिस पे आप सोचते हैं कि यार ये ना
आप फंस सकते हैं यहाँ पर, दोबारा हदीका जी के सामने तो मुझे सकीना जी के सामने तो जलील कर देंगे मुझे, तो बेटा क्या लाइनें नहीं याद हो रही तुम्हें, और इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती तो नहीं बोलेंगी सकीना समा उठे, लेकिन आपको खुद एक इंसल्ट सी फील होती है ना अगर आपको भूल जाए कोई चीज़, क्योंकि दानिश भाई तो हे को हाँ भी नहीं करने देते, वो कहते वही बोलना है, चेंज भी नहीं कर सकते आप, तो इतने बड़े बड़े जुमले आपने बोल, तो इसमें साजिद भाई के सामने शुरू में मुझे लगा कि मुश्किल होगा, तो शुरू में मैंने कहा यार ये सीन करेंगे रुबीना आपा के साथ साजिद भाई के जितने भी सीन थे, तो उसमें ना साजिद भाई से केमिस्ट्री डेवलप हो जाएगी, उसके बाद फिर साजिद भाई के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीन होने लग जाएंगे। उन्होंने कहा आज आपका और साजिद भाई का काम है सिर्फ, और जितना मैंने बाप को जलील करना था ना वो सारे सीन उन्होंने उस दिन रख लिए, पहले एपिसोड का पहला सीन रख लिया, और मैं कहूँ यार आज ना करवाओ साजिद भाई को जलील, और साजिद भाई ऐसे, अब साजिद भाई ना जब पहले दिन आते हैं तो बड़े सीरियस होते हैं, हाँ एक काम करो इसको ना ऐसे बोल लो तुम्हारा सीन, मैं कह रियाज भाई मुझे मुश्किल लग रही है क्योंकि बहुत ही जलील करना था, और आंखों में देख के साजिद हसन को आपने जलील करना हो, और मैंने कभी ठीक है आप वैसे लड़कियों को या इस तरह के ही होते हैं बाप को तो कभी जलील ही नहीं करता ड्रामा में, तो सोचते नहीं है, तो साजिद भाई मेरे लिए नुमान एजाज टाइप है बिल्कुल कि वो उस तरह के ही हैं, तो अब मैं साजिद भाई को मुँह पर जलील कर रहा हूँ, और फिर वो सीन अच्छा हो गया, उसके बाद फिर साजिद भाई से केमिस्ट्री ऐसी हो गई, अब साजिद भाई अगर मैं आराम से बैठे हुए कोने पर, अब तो इस तरह हम तंग कर रहे होते, मैं अनमोल और साजिद भाई कमरे में बैठ के वो हंसी मजाक कर रहे होते कभी, हाँ तो हमारा इस तरह होता है साजिद भाई के साथ, मुझे लगता है हमारे सेट पे यही अच्छी एक बात थी कि हमारी दोनों फैमिलीज, मतलब जो मेरी शादी से पहले और शादी के बाद दोनों फैमिलीज बहुत अच्छी, मारिया जी रुबीना अशरफ और साजिद हसन भाई, तीनों के साथ काम करके बहुत मजा आया, मतलब पहले सीन में आपको जो डर होता है ना वो था वही था, लेकिन जब उन्होंने अप्रिशिएट किया ना कि नहीं बच्चे आप अच्छा कर रहे हो, तो उसके बाद अच्छा रुबीना अशरफ का ये वर्ड है बच्चे, तो वो बताती हैं कि बच्चे आप इसको ऐसे कर लो, बच्चे वो बता रहे हैं है ना, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, डायरेक्टर है वो खुद भी डायरेक्टर हैं, तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए एक अच्छी बात थी कि थोड़ा आपको और कॉन्फिडेंस मिल गया, आप अपने सीखने को भी मिला होगा, सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब इतनी सीनियर कास्ट हो एक बहुत अच्छा वो है ना, मतलब साजिद हसन के सामने रुबीना अशरफ मारिया वास्ती, इवन मारिया वास्ती के सामने मुझे लगता था कि थोड़ा सा है मुश्किल उस तरह से, क्योंकि मेरे जितने में सीन आते थे उनके साथ या तो काम ही नहीं था, ये काम था तो या तो उनको जलील करना था या उनके साथ था। और अदनान जिलानी, तो हमारी सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इवन सलमान के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, सलमान से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई आखिर में, कि सलमान और मेरी अब अभी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सलमान लाइक यार इन्होंने मुझे इतना नेगेटिव क्यों दिखाया, मैं इतना नहीं था, इन्होंने मुझे क्यों बना दिया, पूरा विलन बना दिया, मैंने कहा बाप के कैरेक्टर इसी को तो विलन होना पड़ता है, हाँ, क्योंकि वो कहीं मुझे किडनैप करते हैं, किडनैप नहीं करते हैं, वो मुझे बुलाते हैं, पता नहीं आई थिंक उसी सीन की बात करें, तो वो मुझे बुलाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी वो उनकी सारा इन पे इल्जाम लगाते हैं सारी चीजें, फिर अब वो कहने लगे कि अब मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, मैंने कहा अब ये तो हो गया, अब आगे की आपकी मर्जी है, कि फैन रिएक्शन कैसा है। अच्छा सलमान का एक बताऊं, सलमान की हाइट बहुत ऊंची है ना, तो सलमान को कोई धमकी देनी होती है, हाँ नीचे सलमान के साथ, सलमान की हाइट बहुत ऊंची है। अच्छा फैन रिएक्शन कैसा आया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, कोई बाहर निकले लोगों ने कुछ कहा या कोई सुनने को मिला क्या? मैं तो जब बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई अनमोल बुलाते ही नहीं है, योजना और मैं बहुत मास्क और यू नो सारा अपना ख्याल करके जाती हूँ कि मैं बगैर मेकअप के चली जाती हूँ कभी भी कहीं भी, टी शर्ट और जीन्स और अमोके, जिम भी चली जाती हूँ, आज ही सुबह मैं जिम गई हूँ तो वो एलिवेटर में एक खातून और वो मुझे ना बड़े गौर से देख रही है, मैंने मास्क लगाया हुआ था और सुबह नींद में आपकी आंखें सूजी हुई होती हैं, आप किसी और जोन में होते हैं, तो मुझे कहती है आप उष्णा हो ना, अब मैं सोचने लगी उष्णा कौन है, नींद में थी मैं उस वक्त, आप उष्णा हो ना, आप ड्रामों में मैंने कहा जी जी मैं उष्णा हूँ, अच्छा अच्छा बेटे बहुत प्यारी हो आप, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा करी, हाँ फैन रिएक्शन यही था कि शेरो 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 शेरो, जब जहाँ जाए मैं कश्मीर भी गया हूँ, और हमारा तो एक बन गया है उशरोज बन गया, हाँ एक उस्मोल और उशरोज, तो ये एक उशरोज नाइस उस्मोल ट्विटर पे बहुत ट्विटर पे बहुत था, मैंने हमने पिछले दिनों को ट्विटर पे मैंने देखा था, उस पर भी काफ़ी था, लोगों ने पसंद भी बहुत किया, लोगों ने देखा ही बहुत, मैं कश्मीर जब गया तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि लोग इस तरह से देख रहे हैं, कश्मीर में सकरदू गिलगित वहाँ पे मुझे नज़र आया, इवन एक दफ़ा मैं शुरू में बाप को जलील करता हूँ बदतमीज़ करता हूँ, तो मेरे घर में मैं बड़े अच्छा हूँ, अब्बू और अम्मी के साथ तो बहुत अच्छा हूँ, तो मेरी काम वाली कहती है कि अम्मी से कि उसका शौहर कहता है कि कितना बदतमीज़ इंसान है अपने बाप से कैसे बात करते हैं, तो घर में भी ऐसे ही होगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, उसने फिर काम वाली ने कहा नहीं नहीं घर में तो बड़े अच्छे हैं, अब्बू के साथ बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरह से भी लोग समझ लेते हैं कि वो बंदा वैसे ही है, लेकिन
एक चीज़ जो होती है लोग उस तरह से डरते भी हैं, जिस तरह के लोग कैरेक्टर कर रहा होता है ना बंदा, उस तरह से लोग उसको समझने भी लग जाते हैं। हाँ होता है, ऐसा नहीं है मतलब मैं तो चुटकुले भी छोड़ देता हूँ, मैं मजाक भी कर देता हूँ, लोगों को लगता है बड़ा सीरियस है बंदा, इससे ज़्यादा थोड़ा सा रिजर्व हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, कमिंग टू सम सीरियस क्वेश्चन जो मैं थोड़े मुझे लगता है ड्रामे की थीम से भी रिलेटेड होते हैं, और कम्युनिकेशन मुझे लगता है उष्णा और शेरोज़ के दरमियान एक इशू है थोड़ा सा, तो अगर हम उसी चीज़ को आजकल की रियल लाइफ कपल्स में देखें, आप लोगों की रिलेशनशिप्स में देखें, हाउ डू यू सी इट, क्या आजकल है कम्युनिकेशन मुश्किल या ज़्यादा आसान हो गई है कपल्स के दरमियान? अच्छा, उष्णा और शेरोज़ के बीच में कम्युनिकेशन है या नहीं है? बट वो तो एक मैंने रेफरेंस पॉइंट उठाया है, मैं अगर जनरली बात करूँ तो आप लोग अपनी रिलेशनशिप्स में या आसपास भी आपके जो हो रहा है उसमें क्या देखते हैं आजकल जो यंग कपल्स हैं, यंग जनरेशन जो है, जो आप लोगों की जनरेशन है, उसमें कम्युनिकेशन इज ईजी मुश्किल हो गई है, चैलेंजिंग हो गई है? चैलेंजिंग हो गई और कम्युनिकेशन गैप भी है, वो इस वजह से क्योंकि जैसे हम पता नहीं नॉर्मली ऐसा है या नहीं, लेकिन हम लोग बहुत ईगो में रहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती कर दी है यू नो शैल बी लाइक कि नहीं अब फॉर सपोज अगर उसामा है या मेरी कोई फ्रेंड है कोई भी है यू नो तो मैं कहूँगी कि यू नो मुझे सॉरी करनी चाहिए लेकिन एटलीस्ट ये बात तो करे, मैं तो सॉरी तो बोलूँगी लेकिन पहले कोई और इनिशिएटिव ले ले, स्टार्ट तो करे। और बहुत सारी चीज़ों को ना हमने मिसअंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया, हम डायरेक्ट बात करने से ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं कि हम इधर उधर की बातें सुन लें कि उसने क्या कहा है, उसने आपके बारे में ये सुना है, वो कहा है, यू नो वो आपके बारे में यूँ, तो हम मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को अब प्रेफर करती हूँ कि आप यू नो खुद बात कर लें, ना कि आप इस चीज़ को वो इतना खींचें कि करती हो प्रेफर इस चीज़? जी 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 इसको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। मैं मुझे लगा कि मैं ऐसा है कि ये नहीं बोला मुझे नहीं, मुझे लगा कि मैं पूछ लूँ तुमसे कि तुम सी, अगर मैं कुछ इनके साथ कभी सेट पे होता है कि कभी कभी मैं रूड हो जाती हूँ एंड दैट्स ट्रू, मैं हो जाती हूँ, बट उसके लिए मैं उनसे सॉरी भी करती हूँ, और इनका भी ऐसे ही है कि अगर कभी कुछ भाई मेरा सॉरी रिटर्न पड़ा होगा तुम्हारे पास ये देखो जुड़े हुए हाथ देख लो मेरे माफ कर दो। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप इसलिए क्योंकि एक तो दुनिया बहुत तेज हो गई है मुझे लगता है, रिलेशनशिप्स में है, रिलेशनशिप में है ना, एक गैप इसलिए है, हर जगह पे गैप है कम्युनिकेशन, मुझे लगता है इवन मां-बाप और बच्चों में भी, इवन मां-बाप और बच्चों में भी है, आपको लग मियां बीवी या है कि मना लेंगे बाद में मना लेंगे लेकिन वो कुछ दिल में लेके बैठ जाता है, कुछ नहीं होता। फिर ये होता है कि अब पहले के ज़माने में ना रिलेशनशिप या सोशली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती थी, अब फाइनेंस ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई है, उस तरह से नहीं हो गया। अच्छा। तो मुझे किसी बंदे को मुझे लगता है कि ये होता है कि यार अभी थोड़े से पैसे आ जाएंगे ना तो उसको गिफ्ट ले दूंगा, या अभी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, बात नहीं करते, अच्छा ये उसको कहीं ले जाएंगे उसको, तो मैंने बहुत सी ऐसी जगहों पर देखा है कि लोग इस तरह करते हैं, अच्छा यार मिट्टी पाओ चलो ठीक है ना हो गया ना, मतलब मियाँ बीवी की भी जो सुलह करवाते हैं ना, अच्छा नहीं नहीं तुमने पुरानी बात नहीं डिस्कस करनी, अच्छा तुमने नहीं पुरानी बात डिस्कस करनी अब, और उन वो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे वो नहीं हो सकता, थारसिस आपको करना पड़ता है, आपको बैठ के उसको करे, और दो बंदे जिनके तो मियाँ मसला हो सिर्फ वही कर सकते हैं। मतलब अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मसला होगा तो मैं कभी भी अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को भी ये नहीं कहूँगा यार ये मेरी ज़िंदगी में मुझे मसला है, मुझे खुद उसको बात करनी पड़ेगी। जब तक पुरानी बातें आपके दिल से नहीं जाती आप नई बात स्टार्ट नहीं कर सकते, यही होता है, ये सही कह रहे हैं कि उसको जाने दो आप अगली बात करते हैं, ये हुआ अच्छा चलो ठीक है भूल जाओ, वो नहीं भूल सकते यू ना, जब तक आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर लेते, आप उसके बारे में बात नहीं कर लेते, आपका दिल नहीं साफ हो जाता, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप नहीं जा सकते, तो गैप तो है, गैप है, और गैप इसी वजह से क्योंकि हम लोगों ने हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि जरा काम कर लें। मुझे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, सो मैं सुनती आ रही हूँ और मैं देखती भी हूँ लेकिन मुझे रियलाइज नहीं होता था, तो मटेरियलिज्म और पैसा हमारी जिंदगी में बहुत प्रायोरिटी ले लिया है उसका रीज़न ये, एक तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा रीज़न है। कैसे हम सोशल मीडिया तो आपको थोड़ा आर्टिफिशियल बनाएगा, पैसे कैसे बनाएगा आर्टिफिशियल, क्या किस में बनाएगा, हमें इसी में बनाएगा ना अपनी लुक एंड फील चेंज करने के लिए, आज से आज क्योंकि 15 साल पीछे चले जाएँ आप तो हम किसको देखते थे, हमारे आइडियल्स कौन होते थे जो हमारे आसपास होते थे, ये मैक्सिमम जो हमने टीवी पे देख लिया, अब हमारे आइडियल्स वो नहीं रहे जो पहले होते थे, अब इंस्टाग्राम पे एक हम हमारी डिस्कशन में होती है, वो एक फेमस वो है ब्लॉगर है एक वो है, उसने ये पहना उसने ये पहना उसने ये पोस्ट किया, क्यों डिजिटली ये आ गई मार्केटिंग शिफ्ट हो गई, मैंने एडिट में ACC तो मार्केटिंग में 5 P's होते थे और तब मार्केटिंग मेन जो होती थी वो ATL और BTL होती थी, ये डिजिटल कब आई
पिछले 5-6 साल में जरा ज़्यादा डिजिटल आ गई है और अब तो इसके अलग से बजट्स रखे जाते हैं। तो आपने अगर देखा है कि उसामा ने या अनमोल ने कोई एक चीज़ लगाई है तो लोग उसको पकड़ेंगे। पहले तो ये होता था इन्होंने क्या पहना हुआ यार, अच्छा चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, अभी इसने ये किया यार ये करते हैं, और आपकी फिर ख्वाहिशात भी उस तरह से बढ़ी है। तो डू यू गाइस फील कि ये जो सारा इतना स्पॉटलाइट होना शुरू किया वो थोड़ा ज़िंदगी को आप लोगों के लिए मुश्किल बना देता है? यू हैव टू बी सो केयरफुल आप क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी लिख दिया कुछ भी बोल दिया वो कल न्यूज़ बन जाएगी इवन तो आपकी इंटेंशन भी नहीं हो। ऐसे होता है, ऐसे हुआ भी है पिछले दिनों ऐसे ही होता है इसलिए आपने जो भी बोलना है और जो भी करना है वो फिर यही होता है कि वो आपकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि आप बाद में क्लियर नहीं कर सकते कि यार नहीं मेरा ये मतलब नहीं था मेरा ये मकसद नहीं। एक बार जो बात सुन लेते हैं या देख लेते हैं फिर उसके बाद वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आप जितना एक्सप्लेन करें, आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं अब तो ये झूठ बोल रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं, यू नो इन्होंने सच आ गया बाहर तो अब ये ज़बरदस्ती उस बात को छुपाना चाह रहे हैं। एक बार जो बात सुन ली आपने, एक बार जो चीज़ कर दी उसको आप नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। हाफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा लोग उस पे यकीन करने लगे हैं जैसे बट जैसे बहुत सी आपको स्पीच दे रहा है कोई बंदा किसी को तो हो सकता है उसने कुछ आगे जाके उसका मेन मुद्दा बताना, और शुरू में उसने एक बनाया कि यार ये एक चीज़ है जिसको हम सॉर्ट आउट इस तरह से करेंगे, लोग उसकी आदि उठा के पोस्ट कर देंगे और कहेंगे इसने बंदे ने ये कहा। ऐसे में बहुत सी चीज़ें आजकल देखता हूँ जो कि मुझे लगता है कि यार इसका पुराना तो आप देख लो कि पूरी चीज़ बोली क्या थी। लेकिन उस समय ये भी तो है कि जहाँ ये बात सही है आपकी कि कई दफ़ा पूरी बात नहीं सुनी या एक बात को गलत, बट क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनमें सेलिब्रिटीज़ एक्टर्स सबको मैं शामिल कर लूँ, उनके ऊपर भी जब उन्हें पता है कि इस तरह है उनको भी थोड़ा केयरफुल नहीं रहना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा केयरफुल। और बहुत दफ़ा मे बी फजूल का मैं बोलूँ पंगा नहीं लेना चाहिए या आग के साथ नहीं खेलना चाहिए जब आपको पता है कि ये चीज़ जहाँ रहते हैं वहाँ ये चीज़ शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अल्फाज ये कुछ अखलाक या ये कपड़े में आई थिंक रहना पसंद कुछ भी लोगों को कंट्रोवर्सी में रहने पसंद मगर कुछ लोग रहना ही वही वहीं पे रहना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी भी कंट्रोवर्सीज पे चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम काम कर लें चुपचाप, कुछ कहते हैं बस कंट्रोवर्सीज में रहें क्योंकि कुछ लोग कहते हैं टीवी पे रहें कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे फेमस रहना, तो डिपेंड्स आप किसी को इसलिए नहीं आपको लग रहा होता कि शायद क्योंकि दूसरी साइड पे आप उठा भी रहे होते हैं ना उन लोगों को एक पब्लिसिटी एनी पब्लिसिटी इज आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे होते हैं आपके लाइक्स बढ़ रहे होते हैं कमेंट्स आ रहे होते हैं तो वो टेम्प्टिंग है नहीं नहीं इतना अच्छा नहीं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, हम अगर कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं और गाड़ी चलाते हैं मोबाइल यूज कर रहे हैं तो अब हम ये करने लगेंगे यार मोबाइल कान पे लगाए एयरपॉड्स लगा लें, इस तरह की चीजें करें ताकि लोग जब देखते हैं लोग उसको देखते हैं बिल्कुल लोग देखते हैं लोग पिक करते हैं। ड्रामे से अगर मैं एक और पॉइंट उठाऊं रिलेशनशिप एक मर्द की अपनी बीवी से और माँ से, तो जैसे शहरोज बेचारा फंस जाता है माँ से तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है, कभी कभी बीवी के लिए भी हक के लिए उसकी आवाज़ उठा लेता है, तो कैसे देखते हैं आप कभी कभी वो अक्सर घर में नहीं होता ना ऑफिस में कभी कभी तो आप लोग कैसे देखते हैं आजकल की जनरेशन के किस तरह बैलेंस कर सकते हैं माँ और बीवी की रिलेशनशिप को कि दोनों में से किसी का ज्यादा क्लियर जवाब है तुम दो फिर मैं दूंगा। बैलेंस इसी तरह कर सकते हैं कि आप मुझे तो वैसे ऐसा अगर मैं आदमी होता तो मैं तो औरतों के मामले में पहले तो चुप ही रहती बोलती आपस तो फिर अगर माँ अगर सास ज्यादती कर रही है बहू से या माँ ज्यादती कर रही है तो चुप रहे आप यू विल बी ओके विद योर हस्बैंड जो भी होंगे उनके ज्यादती आई थिंक आपको कहीं भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए वो आपकी माँ कर रही हो अपनी बहू के साथ तो ये हम जब भी आपकी बीवी कर रही हो आपकी माँ के साथ वो आपकी माँ है वो आपकी बीवी है यू नो उनके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी है और उनके साथ भी आने वाली ज़िंदगी गुजारनी है आपने यू नो जितनी भी आपकी लाइफ है जो भी तो उन्होंने साथ में रहना है तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग बहुत मुझे लगता है कि जो आदमी है जो बीच में एक रिलेशनशिप है आपका वो दोनों रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकता है। अच्छा अगर वो दोनों को बैलेंस रखे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और हाउ डू यू सी के अगर वो दोनों का बैलेंस रखे कि अगर अगर उसकी बीवी की गलती है तो उसको बिठा के प्यार से ये नहीं कि यू नो आप लड़ना शुरू कर दें या कुछ बिठा के प्यार से आप समझाएं कि हाँ आपकी गलती थी और आपको इसके लिए अम्मी से सॉरी बोलना चाहिए और अगर मामा से कोई गलती होगी आपकी माँ से कोई गलती होगी उसने बहू के साथ तो भी मुझे लगता है कि आपको उन्हें समझाना भी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि छोटों को थोड़ा लेट गो करना चाहिए कि भाई इट्स ओके बड़े हैं यू नो थोड़ा सा मुझे लगता है एज के बाद आप थोड़े से हो जाते हैं सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यू नो
इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इट्स ओके. और अपनी वाइफ को या छोटों को हमें समझा देना चाहिए कि इट्स ओके, उन्हें भी समझाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें इतना होना चाहिए कि हम थोड़े से काइंड रहें कि माफ़ कर सकें ऐसी चीज़ों को, या यू नो आगे बढ़ सकें, ना कि हम उस चीज़ पे इतनी लड़ाइयाँ कि नहीं उन्होंने कहा है तो ठीक है अब तुम भी उनसे सॉरी मत बोलना. जिस तरह से बैलेंस कर सकते हैं रिलेशनशिप को, आई थिंक आपको करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड आई थिंक आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, यही लोग हैं जो आपके साथ हैं, यू नो. तो अगर आपके उसमें से कोई एक इंसान भी यू नो उस रिलेशनशिप में या उस फैमिली में से एक इंसान भी निकलता है ना, तो आपकी पूरी फैमिली खराब होती है, यू नो. तो एक जो फैमिली है, आई थिंक उसको बड़ा कंबाइन और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एक दूसरे की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहिए. देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मर्द की होती है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है. लड़की अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही है और उसने सब कुछ छोड़ा है और वो आपके पास आ रही है. अगर वो कंप्लेन कर रही है माँ की, तो बजाय इसके कि माँ से फौरन जाके आपने इंटरोगेशन शुरू करनी है, आप चुप कर जाएं, अच्छा ठीक है मैं मम्मी से बात कर लूँगा. और अगर माँ ने कोई कंप्लेन की है तो हो सकता है उसकी कंप्लेन जायज़ हो, तो मर्द हाँ मैं बात कर लूँगा, और उसको सेटल डाउन करें. इस तरह के एकदम से वहाँ जाके हाइपर हो, वहाँ नीचे जाके हाइपर हो, इस तरह से नहीं, समझाने से ख़त्म होती है. दूसरी चीज़ ये है कि आजकल हमारी सोसाइटी में वो जो हम पहले बात करते हैं कि इतनी तेज़ी से सब कुछ हो गया. पहले होता था लेटर भेजा, हफ्ते बाद मिलेगा, अब आप फौरन कर लेते हैं. आप लड़की ने फौरन अपनी माँ को कॉल कर ली, ये ऐसे हो गया, माँ ने बात की वगैरह एक रिस्पॉन्स दे दिया होगा उसको, सास ने भी अपनी बेटी को फोन कर लिया होगा. तो बजाय इसके कि वो उस तरह से उसको रिएक्ट काम डाउन करें, आप उसको थोड़ी देर सोचें, आराम से करना है. देखिए, कोई भी लड़की किसी भी नए घर में जाती है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है. मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं 10 साल से अकेला रह रहा हूँ. मेरा कोई मेहमान, कोई दोस्त आ जाए ना एक दिन के लिए, और वो यहाँ इस मिर्चे ना कमरे की ना यहाँ मिर्चे नहीं है, फिर मैं कहूँगा यार बात सुन, तो खुद जाके ले आ, मुझे बातें ना सुना. मतलब मुझे लगेगा वो मुझे ये कह रहा है कि तुमने किस तरह रखा हुआ है. तो अगर हाँ तुमने अपना घर, अब अगर कोई लड़की अचानक से घर में आ गई, वो सारी चीज़ें ही चेंज करने लग जाए कि आंटी आज से ना ये सोफ़ा इसको यहाँ करेंगे, ये करेंगे, तो उनको लगेगा कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर. आप हर चीज़ को टाइम दें, बजाय इसके कि आप आते साथ ही अपना बताने लग जाएं. तो अगले बंदे के साथ आप थोड़ी सी दोस्ती तो कर लें, बजाय इसके कि आप उसके साथ उसको चैलेंज करने लग जाएं. मुझे लगता है कि आपको जो भी करना है टाइम ले उतना. और औरत बहुत अच्छे से. और दूसरी एक और चीज़ मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी एक दफ़ा बहन थी, तो दूसरी नहीं है तीसरी है ये. नहीं नहीं, मेरी बहन ने क्या नाम है, मैं अपनी बहन से एक दो बात कर रहा था कि सास और माँ में ये फ़र्क है कि सास अगर आपको कह देगी ना कि तुम मतलब चलते चलते यूँ कंधे पे आ देगा तो क्या किया तुमने, और पहले दूसरे हफ्ते में तो उसको लगेगा कि थप्पड़ मार दिए इन्होंने शायद. और माँ आपको कह भी देगी ना तो आप कहेंगे कि अच्छा अम्मी है ना, कोई बात नहीं. तो आपने आपने सोचने बजाय इसके कि आप एकदम से रिएक्ट करना. मुझे लगता है कोई भी आप नई शादी करके भी जाएं, मुझे लगता है आपको फैमिली को फैमिली समझना चाहिए. अगर आप शादी करके किसी नए घर में जा रहे हैं तो वो आपकी नई फैमिली है. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पुरानी फैमिली, पुराने रिश्ते खत्म हो गए. नहीं, ये अब नहीं है. उनके साथ इनको भी एडजस्ट करना है. जितना उन्हें प्यार दिया है, उन्हें अंडरस्टैंड किया है, तो अब इनको भी अंडरस्टैंड करना है. आई थिंक एक लड़की बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला सकती है, बहुत अच्छा फैमिली को लेकर चल सकती है, लेकिन समझदारी से. और मर्द की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मर्द उसकी माँ के साथ और अपनी सास के साथ बहुत अच्छा है, तो लड़की को भी, लड़कियाँ रियलाइज़ कर लेती हैं ये अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से है. मर्द देर से शायद रियलाइज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से है कि लड़कियों को जल्दी रियलाइजेशन हो जाती है, लेकिन फिर वो फौरन रिएक्ट भी कर जाती है अगर उनको लगे कि ये नहीं है ऐसे. तो ये वैसे आपको मिल गई नॉन कराची वाली लड़की जो आप ढूंढ रहे हैं, इनकी तो शादी होने वाली है. मेरी मसला ये कि आप नॉन कराची वाली लड़की ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए. नॉन कराची का क्या लॉजिक है बताएं. पुराना सवाल. उसामा ने बोला पिछले इंटरव्यू में कराची वाली नहीं है. वो लाहौर सेटल नहीं हो सकेगी. मैंने कहा लाहौर सेटल हो जाना, तो वो शोबिस से नहीं होनी चाहिए या मैंने कहा कराची से नहीं होनी चाहिए, वो लाहौर से हो भले वो अच्छी बात है. लाहौर सेटल ऐसी बात नहीं, नहीं मैंने ऐसी बात नहीं बोला, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं बोली थी. सारी कराची की लड़कियों को खराब करती है. नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा, रिजेक्ट मैंने कहा तो क्या मतलब. मैंने कहा अगर कोई लाहौर रह सके
तो मैंने ये थोड़ी कहा गुजरांवाला में रह सके, मैंने कहा लाहौर रह सके। तो मुझे लगता है फ्यूचर खुद ये रहते हैं यहाँ, फैमिली इनके गुजरांवाला, तो वो लाहौर में क्यों? मैं लाहौर रहूंगा exactly. यार। और फिर ये अज्यूम करना कि कराची की कोई भी लड़की बेचारी लाहौर गुजरांवाला जाके नहीं, मैं लाहौर रहूंगा ना, कितनी बड़ी बात है, गलत बात। अच्छा मैं दो औरतों के बीच में गलत फंस गया हूं, शादी वादी की तैयारी, मैं दो औरतों के बीच में फंस गया हूं, लेकिन मैं लाहौर रहूंगा ना यार। तुम लाहौर रहोगे, काम छोड़ देंगे? नहीं काम छोड़ेंगे, मैं घर में मेरा, मैंने मैं लाहौर में घर ले रहा हूँ, तो मैं लाहौर में रहूंगा ना। काम तो यहाँ कर रहे हैं आप, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या हो गया आपको? 4 साल से खुद बोला भी 4 साल नहीं नहीं तो मैं लाहौर में, मैं गुजरांवाला से लाहौर, नहीं नहीं मैं गुजरांवाला से लाहौर 2010 में मूव हुआ था ना, तब तो 12 साल मुझे घर छोड़े हुए हो गए, मैंने कहा घर छोड़ गए मुझे 12 साल हो गए। नहीं नहीं मैं 4 साल से यहाँ पर हूँ, मतलब नहीं मिली अभी तक, नहीं। इतना बड़ा झूठ बोला इसने अभी मुंह के ऊपर, मिल गई है, मिल गई है, ओके। नहीं मुझसे मत पूछो, मिल गई है मतलब, लेकिन अब आप लोग समझ नहीं आ रहा कि ये मैं सेट के ऊपर मुझे कहो मैं डेट कर रही हूँ किसी को, मैं ब्लश नहीं करूंगी, मैं बताऊँ मैं सेट नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं सेट के ऊपर मेरी क्या डिस्कशन होती है, मैं अगर बाहर बैठा हूँ ना तो मैं डॉलर का रेट देख रहा हूँ, बिजनेस देख रहा हूँ, उसके अलावा यू डेटिंग समवन, प्लीज यू डॉलर्स पे मत जाओ। आप तो कह रही हैं मेरे टाइम है अभी, क्यों मुझे नहीं, शादी जल्दी नहीं होनी चाहिए। आप पूछो शादी कर रहे हैं, जिस भी इंसान के साथ आप शादी करें, शादी आप तभी करेंगे ना जब इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि यू नो लाइफ टाइम रिलेशनशिप है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप शादी करेंगे, करियर कैसे खराब हो सकता है उसमें? देखिए मैं तो रोजाना कर रहा हूँ शूटिंग ऑलमोस्ट, तुम तो फिर 6 महीने होती हो, मतलब सिलेक्टिव कर रही होती हो, तो तुम तो टाइम ज्यादा दे सकती हो, मैं कैसे टाइम दूंगा? बहुत टाइम देती हूं, वेरी नाजुक, मैं बीमार हो जाती हूं। लेकिन अगर एक ऑप्शन आए, इंसान बहुत जबरदस्त परफेक्ट है आपके, जो कभी सोचा हो कि ये होना चाहिए वो आ जाए, बट परफेक्ट कोई होता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि परफेक्ट करना पड़ता है, शेप करना पड़ता है, बट लेकिन शायद काम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सो व्हाट वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो कभी आपको चेंज नहीं करना चाहेंगे, आपसे कभी आपकी खुशी नहीं छीनेंगे, और जो दिस इज ये यहां है जहां हम बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। नहीं अगर किसी को जो मुझसे मोहब्बत करता है और उसे पता है कि मुझे अपने काम से मोहब्बत है, ठीक है, और वो मुझे कभी कहेगा नहीं कि अपना काम छोड़ दो, अगर कहेगा तो फिर मोहब्बत नहीं है, यू नो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं, मोहब्बत है तो कहेगा नहीं काम छोड़ो, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, और मैं अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, तो उसमें मैं कहीं आपको हर्ट नहीं कर रही हूँ, आपको पूरा प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, अपनी फैमिली को अच्छे से चला रही हूँ, तो बस ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, दैट्स इट। आजकल की रिलेशनशिप्स में मोहब्बत में ट्रस्ट और वफा को कैसे देखते हैं, क्या है ये इधर इशू शहरोज और उश्ना के दरमियान भी है ना, और नहीं मैंने तो सारे पॉइंट्स ही ड्रामे से उठा के मुझे लगी, क्योंकि ड्रामे की ये इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि अगर यंग लोग देख रहे हैं तो जो कपल की डायनामिक्स है उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे लगा ऐसी रिलेटेबल है, जैसे अब शी इज सेइंग समथिंग, वो कह रही है उश्ना नहीं है कि ये ऐसा नहीं है, शेरोज को थोड़ा शक भी हो रहा है, बट वो उसको पूरी एक्सप्लेनेशन सुनता भी नहीं है उसकी, कभी सुन भी लेता है यकीन नहीं करता है, वो भी एक अजीब सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि पहले भी ऐसे होते थे, आजकल भी ज्यादा होंगे, होंगे तो ज्यादा होंगे, नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे, होंगे तो ज्यादा होंगे, नहीं होंगे तो, और क्या कहते हैं इसको, हमारे यहाँ कौन सी एजुकेशन इस तरह की होती है जो बहुत बंदे को सिखा रही हो, तालीम ही है, तरबियत तो नहीं है हमारे यहाँ एजुकेशन में, आप बताएं कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें तरबियत हो, अभी भी हॉर्न होगा, इशारे तोड़े होंगे, कोई लाइन में नहीं लग रहा होगा, तो ऐसी चीज़ तो नहीं है पाकिस्तान में, कहाँ तरबियत दी जाती है, आप किसी बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, उसके माँ बाप लड़ने के लिए पहुँच जाएंगे उसके पास आपसे, तो ये तरबियत थोड़ी है, तरबियत तो ये है कि आप बताएं कि यार ये गलत है और ये सही है, और हर बंदे को पता होना चाहिए, देखिए माशरे में बेसिक सही गलत तो हर बंदे का सेम होता है ना, पाकिस्तान में बेसिक गलत और सही हर बंदे का डिफरेंट है, वो मेरे लिए इंफरादी हो गया कि मेरे लिए एक चीज़ सही है और दूसरे के लिए वो चीज़ गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ये फैमिली अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि ये सही है, साथ वाले को लगता है कि बिल्कुल गलत है, कल्चरल तो कम से सेम होना चाहिए था ना, वो नहीं है। थैंक यू सो मच आप दोनों के टाइम का।
अच्छी हमने काफी ड्रामे की बात की, कुछ बात की और कुछ चीजें हमने एडिट करनी है, वो काट देनी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। जी नहीं, आप प्लीज सोच लीजिए, कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ऐसे तुमने भी राज खोला ना, ये वो वाला राज है। समझदार इंसान की निशानी होती है कि वो बोलने से पहले सोचता है, बोलने के बाद जो सोचता है वो बेवकूफ होता है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा एडिट करने के लिए, मैंने एडिट करने के लिए कुछ नहीं कहा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है आप लोगों के, क्या व्हाट आर यू गाइस वर्किंग ऑन, हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। आई हैव हर्ड कि आप लोग नया प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं साथ, ऐसा क्या हम तो ऐसा क्या I'm asking you. तुमने बात की होगी, मैंने तो नहीं, क्या पता उसने बात की होगी, क्योंकि ये मुझे परसों कह रही थी कि मुझे मुझे ये मुझे परसों ये परसों मुझे कुछ बता रही थी, किसी ने कहा है कि तुम कह रहे हो, तो मैंने कहा अच्छा ऐसे क्या, तो ये उस वक्त भी इन्होंने कहा था अच्छा ऐसा है, नहीं ये चाहते हैं कि सेट पे आकर सरप्राइज दें। मैं वो एक अहमद भट्टी के कह रहा हूँ आईडीएमसी विद हू, अभी मुझे लगता है कि टू अर्ली, हाँ महामलिक का स्क्रिप्ट। मैं बस अब स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ फिलहाल, तो आई थिंक मैं अभी पहले अपना जियो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी, फिर मैं उसाम मैं ये अब यहाँ ये नहीं बता सकती, लेकिन उसामा इस है, उसामा है, मोहसिन अब्बास हैदर हैं और सनिया शमशाद हैं, हम लोग हैं, वो अब प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन उसके अलावा अभी सोचे क्या बीत रही होगी पिछले एक साल से, रोजाना आके मैं सुनता हूँ। एक लास्ट सवाल हूँ समा आपसे दोबारा पे, जो दोबारा की लास्ट फ्यू एपिसोड्स पे रिएक्शन हुआ, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग, कैसे हुआ और जब ये हो रहा था आपका क्या रिस्पॉन्स था, यू फेल्ट कि हाँ थोड़ा सा इस शहर में तो देना, हाँ मैंने देखे ड्रामा, आपको लगा थोड़ा सा पुश कर दिया उस स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये रिएक्शन आना शुरू हुआ लोगों की तरफ से, रिव्यूअर्स की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से, फिर लगा कि कुछ ज़्यादा ही बाउंड्रीज को पुश कर दिया, कुछ कोई चीज़ें गलत कर दी हैं दोबारा में? मुझे लगा कि जब मैं चला गया था उसके बाद मेरी बहन का वो करके एक अच्छा क्लोजर देके, जोया का साथ भी एक अच्छा क्लोजर करके उस वो ख़त्म हो जाता तो और अच्छा बन जाता, एंड अच्छा था, लेकिन मुझे लगा और अच्छा हो सकता था अगर उसको एक प्रॉपर जल्दी रैप कर देते। बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उसामा ने ना रैप अप किया, बट कुछ तो ख्याल आते होंगे आपको, लगा कि जो जो आप सुनना चाह रही हैं वो ये नहीं कहेंगे मुझे मुझे ये लगा कि अच्छा था, एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद ना बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता, वो ज़रा ज़्यादा हो गई थी, एक लिमिट थोड़ी सी क्रॉस हो गई थी, बड़ी वो थी बड़ी थिन लेयर, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, लेकिन एंड में उसको कवर कर दिया। तो चलो, आई एम नॉट गोना पुट हिम ऑन स्पॉट एनीमोर, आई एम गोना लेट हिम गो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू, एंड आई होप कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स अगले भी बहुत अच्छे जाएं, कामयाब जाएं, एंड वी विश यू बोथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और राबिया के इंटरव्यू पे आके मज़े की बात ये होती है कि आप बातें करने लग जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपके कहीं कैमरा भी लगा हुआ है, कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको जो दिल में आता अच्छा, राबिया से वैसे भी अगर आप बात कर रहे हो ना, मतलब ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे हो, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले भी हम ऐसी बात कर रहे थे, ऐसे भी बात कर रहे थे, और अब हम एक दफा लाहौर में मिले थे तब भी हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो हम और बहुत कंफर्टेबल करती हैं आप जो भी आप, ये हमने आगे एक अच्छी तारीफ है, शहर से और जहर से भी बात हो रही थी कि आप बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल कर देती हैं, तो बंदा इजीली बात फ्लो में फ्लो में जो नहीं वो ये है, जो नहीं बोल रहा वो भी बोल, फ्लो में बोल देते हैं फिर, तो ये एक चीज है, नहीं वो कट जाएगा, मैंने कहा इनसे काट देंगे, ये नहीं कटना चाहिए, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।